हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इफ फॉर्मूले का यूज़ करके और एक पर्टिकुलर कंडीशन को हम निकाल सकते हैं, और ये कैसे करेंगे। एक व्यूअर है हमारे जिन्होंने कमेंट किया हुआ है, तो उनका कुछ ऐसा कहना है कि वो किसी कुरियर कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी से अगर वो बिलोंग करते हो तो वहाँ का चार्ज कुछ और लिया जाए, यानी कम लिया जाए। जैसे सपोज कीजिए अगर वो गुजरात से बिलोंग करते हो तो वहाँ का जो चार्ज हो वो 50 रुपये हो, और अगर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ का चार्ज 60 रुपये या 70 रुपये या कुछ और हो। तो ऐसा काम इन्हें करना है। तो आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह ट्रैक नंबर है, यहाँ स्टेट का नाम है और यहाँ सिटी का नाम है। ठीक है, हम स्टेट के बेस पे बात करेंगे। यहाँ पर एक काम करता हूँ, स्टेट का कोड भी मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर स्टेट है और यहाँ पे कर देता हूँ स्टेट कोड। तो ये एक रो इंसर्ट करा लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं स्टेट कोड। ओके, तो ये लिख दिया हमने और इसको रखेंगे हम नंबर। फिलहाल मैं इसको नंबर रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ। ठीक है, ओके प्रेस किया। अब यहाँ स्टेट का कोड लिखना है, जैसे सपोज कीजिए 1 जो है यूपी का कोड है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 रख लेता हूँ, वो है गुजरात का कोड है। 3 रख लेता हूँ, वो है दिल्ली का कोड है, और जैसा कि आपको पता है पहले से ही 1 जो है यूपी का कोड है, तो यहाँ 1 रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। यहाँ पर आ गए क्वेरी डिजाइन पर, आपको शो टेबल दिखाई पड़ रहा होगा, ये माई टीवी के नाम से मैंने टेबल बनाया, इसको ऐड करना। ओके, अब हमको किस किस चीज की जरूरत है, मैं सारी चीजों को ले लेता हूँ। ट्रैक नंबर ले लेता हूँ, स्टेट ले लेता हूँ, स्टेट कोड ले लेता हूँ, सिटी ले लेता हूँ, सिटी की तो हालांकि जरूरत ही नहीं है हमें, फिर भी ले लेता हूँ, और कॉस्ट भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें वो कॉस्ट देनी है, और कॉस्ट या तो 50 रुपये होगी या तो 60 रुपये होगी। ठीक है, तो किसके लिए 50 रुपये, किसके लिए 60 रुपये, तो वही कंडीशन हमको यहाँ पे देनी होगी। तो यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको जूम व्यू पे लेता हूँ, लगाते हैं। अब यहाँ पर आई इफ फॉर्मूला लगाना है हमें, लगा लिया। यहां पर हम स्टेट कोड को उठाएंगे, तो यहां लिखता हूं मैं स्टेट कोड, आई इफ स्टेट कोड। तो स्टेट और कोड के बीच में एक छोटा सा गैप है, तो यहां गैप ही दे देते हैं हम, और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे मैंने लगाया इज इक्वल टू 1। अगर स्टेट कोड 1 हो तो 1 जो स्टेट कोड कहां का है, यूपी का है, तो यहां लिख देता हूं 60 यूपी का हो तो 60 रुपये चार्ज होगा। ठीक है, अगर कुरियर यूपी जाना हो तो 60 रुपये चार्ज होगा। और यहाँ फिर आई इफ लगाता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर वापस से वही स्टेट कोड आपको लेना है, मैं स्टेट कोड इज इक्वल टू 2। अगर 2 हो तो क्या हो, तो हो जाए गुजरात वाला हिसाब किताब हो जाएगा, यानी 2 जो है गुजरात का कोड है, तो गुजरात, अगर गुजरात में अगर आपको कुरियर करना है तो उसका चार्ज कम हो जाएगा, उसका चार्ज आ जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, अगर गुजरात की बात करें तो उसका चार्ज आ जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको अभी दिखा भी दे रहा हूं, ये देखिए, ये जो है 2 जो है गुजरात का कोड है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापिस से क्वेरी में अपने। अब यहां पर क्या करना है, अदर स्टेट की बात करें तो फिर वही 60 रुपीज की बात करेंगे। लास्ट में 2 कंडीशन देते हैं, आपको ये पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बताया है। तो हमने यहाँ पे 3 इफ लिए हैं, पहला ये, दूसरा ये, और 2 ही इफ लिए हैं, तो यहाँ पे 2 ही ब्रैकेट क्लोज होंगे। यहाँ 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, ओके प्रेस किया, और अब हमें डिजाइन पे जाकर यहाँ से रन पे क्लिक करना है। तो ये रन हो गया, आप देख सकते हैं चार्जेस भी उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अब कोई भी स्टेट लिखिए, अगर आप गुजरात जब भी लिखेंगे, यहाँ पे गुजरात की बात जब भी आप करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गुजरात, अब चाहे गुजरात के किसी भी चार्जेस क्या हो जाएंगे, 50 रुपीज हो जाएंगे। जैसे ही 2 करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 50 रुपीज अपने आप आ जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।